वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। 13 जून के दिन निर्जला एकादशी होगी। आज इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि निर्जला एकादशी क्या होती है और क्यों मनाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन पानी पीना जो है वर्जित होता है, इसलिए इसको निर्जला यानी कि निर्जला एकादशी कहते हैं। एक साल में टोटल 24 यानी कि 24 एकादशियाँ होती हैं, उनमें से निर्जला एकादशी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एकादशी मानी जाती है। ये जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं यानी कि व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं। इस दिन छबील भी लगाई जाती है जहां पर लोगों को मीठा पानी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इस दिन विष्णु जी के मंत्र कहे जाते हैं। निर्जला एकादशी के बारे में एक कथा भी है, वो ये है कि एक बार महर्षि व्यास जो थे वो सभी पांडवों से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पे पांडव भी होते हैं, द्रौपदी भी होती है। वहाँ पर जो भीम हैं, भीमसेन, वो महर्षि व्यास से कहते हैं कि देखिए सारे पांडव जो हैं वो सभी एकादशियों का व्रत रखते हैं, जितनी भी 24 एकादशियाँ होती हैं सबका व्रत रखते हैं, लेकिन मेरी भूख जो है वो इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा है कि मैं फास्ट नहीं रख पाता। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फिर भी सभी एकादशियों के पुण्य का फल तो चाहिए, अब मैं क्या करूँ। तो इस पर महर्षि व्यास उसको एक तरीका बताते हैं कि आप अगर सभी एकादशियों का फास्ट नहीं रख सकते तो आप सिर्फ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का फास्ट रखिए, और वो जो फास्ट रखेंगे, वो जो आप व्रत रखेंगे, उसका जो फल है वो बाकी सभी 23 एकादशियों के फल के बराबर होगा। वो इतनी पावरफुल एकादशी है, तो आप उसका फास्ट रखिए। तो तब से भीम ने फिर निर्जला एकादशी का व्रत रखना शुरू किया, और वहीं से ये प्रथा शुरू हुई निर्जला एकादशी के व्रत की। इस दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है, उनका जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना चाहिए, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए, और उसके बाद विष्णु जी की पूजा कर फिर उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए आपको, और फिर अपना फास्ट ब्रेक करना चाहिए। ये विधान होता है इस फास्ट का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी होती है। जितनी भी टोटल 24 एकादशियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अकोमोडेट कर सकते हैं बिना पानी और बिना खाने का फास्ट, तो आप इसको ज़रूर रखिए। लेकिन मैं फिर से आपको ये कहूँगा कि आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी से बाहर मत जाइए। अगर आप नहीं रख सकते, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेंट ही हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी मत रखिए। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा अकोमोडेट कर सकते हैं तो ज़रूर इस फास्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आप ज़रूर रखिए। इस फास्ट के दिन जब आपने व्रत रखा हुआ तो आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, आपके घर में चावल नहीं बनने चाहिए, और आपको किसी का क्रिटिसिज्म यानी कि किसी को बुरा भला नहीं कहना है, इस दिन झूठ नहीं बोलना है, खाना भी नहीं खाना है, और किसी के डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करनी है इस दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अगर इनको आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपका फास्ट एक तरीके से ब्रेक माना जाएगा। अगर आप बिना पानी का और खाने का फास्ट नहीं रख सकते तो कम से कम फ्रूट्स का फास्ट तो ज़रूर रखिए, जिसमें आप सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। फ्रूट्स में आपको पानी भी मिल जाएगा और एक तरीके से आपकी भूख भी शांत रहेगी। अगर आप पूरा कंप्लीट फास्ट नहीं रख सकते तो कम से कम फलाहार जिसको बोलते हैं उस पर ज़रूर रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आपने इतना टाइम दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।